हेलो एवरीवन, आई एम विश्वजीत, ही मैथ एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फ्रेंड्स, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज मैं एक पॉइंट हूँ। सो वहाँ पे और एक आदमी खड़ा है, तो एक पॉइंट है। सो हम दोनों को बीच जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मदद ले सकते हैं। सिमिलरली सपोज थ्री पॉइंट्स है प्लेन में, एक ही प्लेन में थ्री पॉइंट्स है, तीनों के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद बोलेगा कि हम उसको ज्वाइन करेंगे, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया क्या है, वो भी हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। सिमिलरली सपोज दो पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट है, उसी पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो दिया है, दोनों से बोलेगा कि वो पॉइंट निकालो। इसके लिए क्या है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट हम नाइन्थ में पढ़े थे उसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद टेंथ का। देखिए, नाइन्थ में क्या पढ़े थे कि जो प्लेन है उसको हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों प्लेन को फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते थे। फोर क्वाड्रेंट्स, ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ। ये जो मीटिंग पॉइंट था दोनों का वो होता था ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट था जीरो जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट जीरो। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते थे कोऑर्डिनेट होता था अब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट होता था ऑर्डिनेट। और क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पॉइंट का साइन था प्लस प्लस था, सेकंड का था माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस। क्योंकि इस फर्स्ट का जो साइन है, फर्स्ट जो है वो एक्स का है, सेकेंड वाई का। देखिए, एक्स वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिख सकते हैं, अभी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा था, यह था माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ऐसा करके बता। सो फर्स्ट का था साइन प्लस प्लस, तो एक्स में कुछ आया, वाई में तो प्लस प्लस, एक्स में नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये था, इसको बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो फोर क्वाड्रेंट हो गया, कोई भी पॉइंट प्लॉट करना था, सपोज थ्री फोर, थ्री पॉजिटिव फोर भी पॉजिटिव, तो एक्स में पहले थ्री आए इसके बाद फोर, तो हो गया यहाँ पे एक पॉइंट, ये हो गया थ्री फोर। सिमिलरली सपोज माइनस फोर फाइव, पहले एक्स में माइनस फोर वाई में फाइव पॉइंट आ गया माइनस फोर फाइव। सपोज माइनस थ्री माइनस टू, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस थ्री एक्स में माइनस टू पॉइंट आ गया इधर, माइनस थ्री माइनस टू पॉइंट आ गया माइनस थ्री माइनस टू। सपोज फोर टू, सॉरी फोर माइनस वन, फोर माइनस वन यहाँ पे आ गया फोर माइनस वन, हो गया प्लॉटिंग द पॉइंट्स। देन था कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, तो उसको उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोज यहाँ पे पॉइंट है एक्स एक्सिस में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होता था, फाइव कॉमा जीरो। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। सपोज यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, तो जीरो फोर। ऑन एक्स एक्सिस वाई जीरो, वाई एक्सिस एक्स जीरो। देन था कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होता था कोई भी लाइन क्या होता था, तो वाई इक्वल टू बी होता था। तो यहाँ पे होता था तो हम लिखते थे वाई इक्वल टू माइनस बी, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस होता था तो हम यहाँ पे लिखते थे एक्स इक्वल टू माइनस ए
और यहाँ पे लिखते थे सॉरी एक्स इक्वल टू ए और यहाँ पे लिखते थे एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये हम क्लास 9 में पढ़ते। अभी हमको क्या पढ़ना है, ये जो पॉइंट प्लॉट होता है इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये क्लास 10 में हमको पढ़ना है। ओके सो शुरू करते हैं क्लास 10 का। क्या है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन, देन ट्रायंगल का एरिया। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकेंड सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तीनों फॉर्मूला को बेस करके हमको सम्स करना है। ओके तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी पॉइंट सपोज यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट x2 - x1 पहले लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। यह क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई यूनिट में होगा। ओके और हम इसको लिख सकते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके सपोज एक पॉइंट है P, पॉइंट है 2, 3 और Q है -3, 5। क्वेश्चन पूछा है फाइंड पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q और फाइंड पी क्यू। ओके तो पी क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं हम। देखो पी क्यू x2 है -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर रूट। ओके दैट इक्वल टू ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये गया 25 प्लस 4 यह क्या 29 स्क्वायर रूट यूनिट। ओके सेंटीमीटर होगा तो जो डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर मीटर से होता है, तो हमको इसको यूनिट लिखना है। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट गिवेन है तो हम उसको निकाल सकते हैं। सपोज पूछेगा कि तीनों पॉइंट गिवेन है ए बी सी, उसके साइड निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके। एक कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट दोनों के बीच से डिस्टेंस निकालो, ए दोनों के बीच, ए दोनों के बीच, ऐसे करके हम करेंगे। उसको हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन सब करेंगे। नेक्स्ट आ गया सेक्शन फॉर्मूला। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला बोला, सपोज कोई ओरिजिन से पूछेगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन इधर है तो इसका क्या है 0, 0, तो पॉइंट इधर है ए है, ए दिया है xy, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा x - 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस y - 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इक्वल टू x² + y² स्क्वायर। तो ये है एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन x² + y² का स्क्वायर रूट। ओके ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, कोई टू पॉइंट गिवन है ए है यहाँ पे बी है, सपोज और एक पॉइंट यहाँ पे सी एक पॉइंट है, जो कि दोनों पॉइंट को कुछ रेशियो में सपोज m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर, दैट मीन्स AC और BC के रेशियो दिया है, और एक कोऑर्डिनेट दिया है इसका x1 y1, इसका x2 y2। हमको C का निकालना है, C का है कोऑर्डिनेट xy, ये जो xy हमको निकालना है, ये पॉइंट गिवेन है और रेशियो भी गिवेन है, ये होता है इंटरनल डिवीजन मीन्स जो पॉइंट ये दोनों पॉइंट को रेशियो में डिवाइड करेगा वो उस दोनों के अंदर होगा, और एक एक्सटर्नल डिवीजन
सपोज ए यहाँ पे ए है इधर, बी है, तो सी कहाँ पे हो गया आउटसाइड। तो जैसे कि एस सी बी सी, ए हो गया M1, ए हो गया M2, ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक क्लास तुम्हारा जो टेंथ कोर्स में नहीं है, इंटरनल डिवीजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, देखो M1 X2 रेशियो, इधर M1 है तो एक क्वाड्रेंट लेना है, तो M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, ये हो गया एक्स का क्वाड्रेंट। सिमिलरली वाई का क्या होगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2, ये हो गया एक्स एंड वाई। ये हो गया इंटरनल डिवीजन जो क्लास 10 में है। एक्सटर्नल क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो प्लस साइन है उसको सिर्फ हम माइनस करना है। क्या करना है, तो एक्स क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे ये हो गया X1 Y1, बी हो गया X2 Y2, तो ए पॉइंट निकालेंगे, तो सी डिवाइड करते हैं, तो सी को निकालेंगे। ओके देखिए एक्स क्या हो गया, M1 X2 माइनस M2 X1 बाय M1 माइनस M2। सिमिलरली वाई इक्वल टू M1 Y2 माइनस M2 Y1 बाय M1 माइनस M2, हो गया एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, थ्री पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1, इसका है X2 Y2, इसका है X3 Y3। थ्री पॉइंट्स गिवन है तो हमको निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि हमको सीखना है, वो क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये जो ब्रैकेट दे इसके लिए कि जो भी अंदर आएगा नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लेना है क्योंकि एरिया पॉजिटिव में आता है। क्या है, X1 into Y2 minus Y3 प्लस X2 into Y3 minus Y1 प्लस X3 into Y1 minus Y2, हो गया फॉर्मूला। कैसे याद करेंगे, देखो सपोज ये ऑर्डर है 1 इधर 2 इधर 3, साइक्लिक ऑर्डर 1 2 एंड 3। पहले X1 लिखे तो यहाँ पे दोनों Y हो गया, तो 2 1 3 1 के बाद 2 1 3। देन यहाँ पे X2 लिखे तो 2 के बाद क्या है 3, देन 1 साइक्लिक ऑर्डर। देन यहाँ पे X3 लिखे तो 1 2, ये हो गया फॉर्मूला, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 1 2, ये हो गया 3 5, सपोज -2 7, 3 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करते हैं हाफ इंटू X1, सपोज इसको X1 है 1 into Y2 minus Y3, Y2 क्या है 5 माइनस Y3 क्या है 7 प्लस X2, यहाँ पे X2 है 3, Y3 क्या है 7 माइनस Y1 क्या है 2 प्लस X3 इधर है -2 into Y1 2 minus Y2 5, ओके दैट इज इक्वल टू 1/2 into -2 3 into +15 -2 -3 +6, ये हो गया 1/2 15 21 19, ओके तो आ गया ना पॉजिटिव 19/2 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एरिया ऑफ दी। और एक पॉइंट है जो सेक्शन फॉर्मूला में, जैसे कि रेशियो जो दिया था M1:M2, कभी कभी हम उसको M1 और M2 के बदले हम K:1 यूज़ कर सकते हैं। सपोज ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है X1 Y1, इसका दिया X2 Y2,
इसको हम निकालना है एक्स वाई, तो रेशियो दे दे के इज टू वन, ये रेशियो दे दिया। तो एम वन एम टू के बदले सोचिए एम वन दे दिया है के और एम टू वन, ये भी लेके हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, ये हमारे रेशियो फॉर्मूला था। कुछ नहीं है, एम वन को बदले के पुट करते हैं, तो के एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन बाई के प्लस वन, यहाँ पे वाई इक्वल टू के वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन बाई के प्लस वन, तो हो गया है के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन, ये हो गया के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन। ए रेशियो लेके हम निकाल सकते हैं, के का कोई वैल्यू आ जाएगा तो के एक्स टू वन करके हम रेशियो निकाल देंगे। सपोज टू पॉइंट्स गिवन है, ए बी, पूछा है कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो जाएगा तो देखो जो रेशियो है दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, यहाँ पे M1 है यहाँ पे M2 है, तो M1 इक्वल टू M2 हो गया, तो M1 इज टू M2 क्या हो जाएगा, वन बाई वन, तो रेशियो हम वन बाई वन लेके कर सकते हैं। तो डायरेक्टली C का कोऑर्डिनेट आएगा जो एक्स वाई है, एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, तो C का जो X आएगा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई का लिखेंगे वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये दोनों को याद कर लेना, क्योंकि हम के एस टू वन रेशियो को अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट होगा तो डायरेक्टली ए निकाल देंगे। ओके okay?